नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले शफीकुर्रहमान बर्क को अब रामायण पार्ट से दिक्कत है। जी हां, क्योंकि जहां यूपी के सीएम ने 1,00,000 रुपए प्रत्येक जिले को रामायण के पाठ के लिए दिए हैं, लेकिन ये बात बर्क को रास नहीं आई और इस पर उन्होंने बेकार की बात कह दी। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार के नवरात्र में अखंड रामायण पाठ करने के लिए प्रत्येक जिले को 1,00,000 रुपए दिए जाने को लेकर सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने निशाने पर लिया है। शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा कि पैसे देकर कोई इबादत नहीं होती, अगर होती भी है तो वो कबूल नहीं होती। जो आदमी दिल से इबादत करता है वही कबूल होती है। मुसलमान इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कोई इनको पैसा देता है क्या? ये सब दिल से होता है, पैसे देने से पूजा पाठ नहीं होती। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा कि आम आदमी पैसों के लिए इबादत नहीं करता, वो अपने गुनाहों की माफी के लिए इबादत करता है। आज पूजा पाठ में सियासी दखल देखने को मिल रही है, ये ठीक नहीं है। सरकारी पैसे से पूजा पाठ कराई जा रही है, यही पैसा सरकार को विकास कामों में खर्च करना चाहिए। इबादत पूजा पाठ तो व्यक्ति दिल से कर लेगा, उसको इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं। सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नसीहत दी और कहा कि पूजा पाठ और इबादत दिल की भावनाओं से होती है। जो पैसे आप इसके लिए खर्च कर रहे हैं वही पैसे आप विकास में लगाएं। हम मुसलमानों में कभी पैसे देकर इबादत नहीं की जाती, न ही हम सरकार से इसके लिए गुहार लगाते हैं। मुसलमान दिल से इबादत करते हैं वही कबूल भी होती है। बता दें, योगी सरकार ने नवरात्र में पूजा पाठ को लेकर बड़ा फैसला लिया था। योगी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया था कि वो सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशी का पाठ आयोजित कराए। इसके साथ ही नवदुर्गा पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कराएं। योगी सरकार ने इन आयोजन के लिए सभी जिलों को 1,00,000 रुपए भी देने को कहा। वहीं बर्क ने बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 6 साल होने पर संबल लोकसभा सीट से सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने यूपी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दूसरे कार्यकाल के 1 साल में सरकार ने क्या काम किया है इससे पूरा हिंदुस्तान जानता है। सरकार ने सारी ताकत अपने हाथ में लेकर न जाने कितने लोगों का नुकसान पहुंचाया और कितने ही घरों पर बुलडोजर चलाए हैं। एसपी सांसद ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि फैसले कानून से होने चाहिए और कानून को अपने हाथ में लेकर फैसले नहीं लेने चाहिए। सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क आए दिन योगी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि ये सरकार का एक्शन नहीं, हम लोगों पर जुर्म है। वही अब नवरात्र पर रामायण के पाठ से भी उनको दिक्कत होने लगी है और उनका कहना है कि भगवान को दिल से याद किया जाए, पैसे से नहीं है। अब अगर यही बात किसी हिंदू नेता ने रमजान पर कह दी होती तो बर्क को आग लग जाती, लेकिन बर्क हमेशा उटपटांग बयान देने से चूकते नहीं है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।